हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सोनी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीपक सोनी ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारी इस नए वीडियो में। और इस नए वीडियो में मैं आपके लिए क्या नया लेके आया हूँ उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिए। साथ ही साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो हाँ जी, आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ भिलाई के ही एक फेमस मोमो शॉप में, जिसका नाम आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के जान ही गए होंगे। तो देखो यार, आप लोगों का ही रिकमेंडेशन था इस वीडियो लोकेशन का वीडियो बनाने के लिए, तो मैं बस इस वीडियो लोकेशन का वीडियो बनाने के लिए निकला हूँ आज। इस छोटे से कार्ट में इतना भीड़ होता है और मैं भी देखा इसको जाके कि कितना मतलब किस टाइप का यहाँ पे क्राउड होता है, और इसको देख के ना मैं भी चौंक गया कि छोटे से स्ट्रीट फूड कॉर्नर में इतना भीड़ कैसे हो सकता है, जो कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी इतना भीड़ आपको नहीं मिलता। अब देखो, इसमें मेरा ना एक थिंकिंग आ रहा है, जब मैं 9th और 10th में था तब मैं देखता था कि मोमोज के बारे में ऐसा कुछ चला नहीं था, और धीरे धीरे ये मोमोज ऐसा घेरा ना 2013 या 2014 के बाद से कि मोमोज का चलन इतना बढ़ गया भिलाई में कि इसको बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इतना ज़्यादा पसंद करने लगे कि मोमोज का जो है ना एक फैशन बन गया स्ट्रीट फूड में शाम के समय सब जन के खाने का। और साथ में बताऊँ ना आप लोगों को, तो कईयों सिटी में या कईयों स्टेट में इसको सवेरे भी खाया जाता है, और जनरली ये आइटम है ही वैसा कि इसको कभी भी खा सकते हो आप। तो मोमोज तो सब जन का पसंदीदा ही होता है। तो ऐसे ही एक वीडियो लोकेशन खोज के आप लोगों के लिए लाया हूँ, जो कि आप ही लोगों का रिकमेंडेशन था। उस शॉप का नाम है दार्जिलिंग मोमोज। दार्जिलिंग मोमोज अपने मोमोज के लिए बहुत ही ज़्यादा नामी है। अब वेज है नॉन वेज है ये वहीं चल के पता चलेगा। साथ में बताऊँ ना आप लोगों को, यहाँ भीड़ देखने लायक रहती है भाई। अभी कुछ ही टाइम बाद शाम के समय जैसे कि 6 या 7 बजेगा ना, तो यहाँ भीड़ इतना क्राउड रहता है कि आप वीडियो शूट भी नहीं कर पाओगे। बाकी आप लोगों को बता दूं कि मेरा भी यहाँ फर्स्ट टाइम विजिट है। मैं अपने सेक्टर के दोस्तों से ना इसका नाम बहुत सुना था कि दार्जिलिंग मोमोज ऐसा, दार्जिलिंग मोमोज वैसा, मतलब टेस्ट जो है ना मोमोज का, अगर ऑथेंटिक लेवल पे खाना है मोमोज, जैसे कि पहाड़ी वाला मोमोज बोलते हैं ना, क्योंकि पहाड़ का ही डिश है। पहले छत्तीसगढ़ में तो एग रोल ये सब ही मिलता था, अब मोमोज की भी वैरायटी अपने पास में अवेलेबल है, तो यहीं पर मिलेगा ऑथेंटिक लेवल का मतलब मोमोज टेस्ट करना। और इससे पहले भी मैं टेस्ट कर चुका हूँ मोमोज द टाउन हाउस किचन, इसमें भी टाउन हाउस किचन का मोमोज मुझको जब सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ का मोमोज का टेस्ट कैसा है, उस टाइप का है कि थोड़ा सा अलग है। बाकी भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और साथ में ना आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैंने ना बहुत सारा आप लोगों को इसमें टेस्ट यहाँ का फूड रिव्यू दिया है। और अभी भी देखते हैं कि इसका वीडियो तो मैं YouTube में बहुत सारा देखा, बहुत लोग डाले हैं, पर मैं अपने तरीके से शूट करता हूँ, तो आप लोगों को पसंद आएगा ना तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। चलिए बाकी बात वीडियो लोकेशन में पहुँच के ही करता हूँ। हाँ जी, तो मैं पहुंच गया हूँ अपने आज के वीडियो लोकेशन। वीडियो लोकेशन की अगर एड्रेस की बात करूँ ना, तो ये आपको पड़ता है सेक्टर 10 में। और वीडियो लोकेशन क्या है ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि बाहर से कैसा दिखता है। पहले बता देता हूँ कि वीडियो लोकेशन का नाम है दार्जिलिंग मोमोज। आप ही सब लोग का रिक्वेस्ट था कि दार्जिलिंग मोमोज का वीडियो लाओ, सब जगह का लाते रहते हो, तो दार्जिलिंग मोमोज का भी वीडियो मैं आज लाया हूँ। और मैं जो बोल रहा था ना कि प्योर वेज है कि नॉन वेज है, तो यहाँ पे अपने को प्योर वेज कैटेगरी में मोमोज अवेलेबल कराया जाता है। भैया लोग 2016 से लगा रहे हैं यहाँ पे दुकान, तो कंटिन्यूटी में लगा रहे हैं, और स्वाद जो ऐसा दे रहे हैं ना कि यहाँ पे जो भीड़ लगता है ना वो देखने लायक रहता है। अभी थोड़ी देर बाद में आप लोगों को यहाँ पे जो भीड़ मिलेगा ना उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, वीडियो शूट करने में भी दिक्कत होगा, इसलिए मैंने ये दुकान खुलते साथ ही यहाँ पे पहुँच गया कि पूरा अच्छे से दिखाते बनेगा आप लोगों को। अभी अभी खुला है ये, चलिए दिखाता हूँ कि बाहर से कैसा दिखता है दार्जिलिंग मोमोज।
तो बाहर से आप लोग देख सकते हैं दार्जिलिंग मोमोज कुछ इस तरीके से दिखता है। और बाकी चलिए यहाँ के ओनर से बात करते हैं। तो भैया आपका नाम बताइए। और कब से लगा रहे हैं यहाँ पे आप? 2016 से बताया आपने। और आप क्या क्या अवेलेबल कराते हैं यहाँ पे? वेज मोमोज, पनीर मोमोज, मंचूरियन मोमोज और स्प्रिंग रोल, सारी होता है। चार आइटम अवेलेबल कराते हैं प्योर वेज कैटेगरी में। और कैसा रिस्पांस है यहाँ पे कस्टमर्स का? वो तो मेरे को रिव्यू मिला तो मैं यहाँ आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मोमोज का वेरायटी। तो आप लोग देख सकते हैं ये कौन सा भैया? पनीर मोमोज है। और स्टफिंग तो अच्छा खासा होगा, अभी मैं आप लोगों को फूड टेस्ट करूँगा तो दिखा दूंगा। और साथ में ये वेज कैटेगरी में। और इसके अलावा स्प्रिंग रोल है आपके पास में। स्प्रिंग रोल आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। और इसमें पीस की बात करें तो आप कितना देते हैं एक प्लेट में? पनीर वाला 9 पीस आएगा। और इसकी जो ओपनिंग टाइम है, जो दुकान लगाते कितने बजे हैं आप? 5 से 5:30 के अंदर, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है इसलिए 5:30 बजे लगा रहे हैं। हाँ, हफ्ते में 7 दिन खुले रहते हैं। हफ्ते में 7 दिन खुले रहता है। और पार्टी वगैरह के भी ऑर्डर लेते हैं कि जैसे किसी को मोमोज वोमोज का? नहीं, वैसा नहीं है। बाकी अगर किसी को बर्थडे पार्टी करना है तो यहीं आके कर सकता है। स्पेस आप लोग देख सकते हैं भरपूर है। और अभी देखिए भीड़ लगना चालू हो गया है यहाँ पे पब्लिक का। और यहाँ पे ना अधिकतर भीड़ होता है, मैं वही देख के आया था। मैं यहाँ से गुजर रहा था ना तो मैं यहाँ देखा कि भीड़ इतना मात्रा में रहता है इनके पास में। और क्वांटिटी देखिए आप लोग इतना लाते हैं भैया और पूरा निकल जाता है। तो गोल वाला आपको मंचूरियन है और साथ में ये जो पनीर है। और डिज़ाइन अलग अलग इसलिए रखा जाता है कि कोई मांगता है ना तो उसमें क्या है ना पता चलता है कि अपने को पनीर कौन सा है, मंचूरियन कौन सा है और वेज कौन सा है। प्योर वेज कैटेगरी में भैया काट लगाते हैं। बाकी चलिए इनके पास में जो चटनी का ऑप्शन है ना, वो ये पे यहाँ पे जो चटनी रहता है आप लोगों का, ये किसका रहता है? ये मेयोनीज मतलब स्पाइसी स्पाइसी चटनी जो टमाटर का रहता है क्या? नहीं, इसमें टमाटर यूज नहीं है। वो आपका सीक्रेट है, चटनी में ही खासियत है लग रहा है मुझे यहाँ पे। और साथ में मेयोनीज है। तो भैया आप प्रॉपर छत्तीसगढ़ से हैं कि बाहर से? दार्जिलिंग से। आप दार्जिलिंग से हैं और दार्जिलिंग से यहाँ मोमोज लेके आए हैं। जनरली आप लोग छत्तीसगढ़ में देखते होंगे कि अलग अलग लोग यहाँ पे मोमोज का दुकान चालू कर दिए हैं, पर जो पहाड़ी वाले लोग रहते हैं ना वो अलग ही मोमोज आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपकी मोमोज की खासियत क्या है जो इतना पब्लिक दीवाना है आपके मोमोज के लिए, बताइए? वो तो हम लोग का क्या है कि मतलब जो कोटिंग है लेयर है। अच्छा, कोटिंग और लेयर जो सॉफ्ट रखता है आपका। और साथ में जो स्टफिंग है इसके अंदर अच्छा रहता है, टॉपिंग स्टफिंग अच्छा रहता है। वो तो मैं अभी टेस्ट करके बता दूंगा आप लोगों को कि कैसा है। बाकी मैं भीड़ देख के अंदाजा लगा सकता हूँ कि यहाँ का टेस्ट भी मजेदार होगा। बाकी चलिए मोमोज लगवाता हूँ फिर बताता हूँ आपको। तो चलिए दार्जिलिंग मोमोज का मोमोज टेस्ट करके देखते हैं। मोमोज भी ले लिया हूँ मैं, स्प्रिंग रोल भी ले लिया हूँ, मतलब इनके पास में जो जो वैरायटी है ना सारा कुछ ले लिया हूँ। फ्राई में नहीं लिया हूँ क्योंकि फ्राई में जो मोमोज टेस्ट करना उतना मज़ेदार नहीं होता। बाकी आप लोग भीड़ का अंदाज़ा देख सकते हैं, यहाँ पे भीड़ कितना लगा हुआ है। अच्छा खासा भीड़ मिल रहा है अपने को देखने को। और टेस्ट करके देखते हैं कि यहाँ का मोमोज कैसा स्वाद प्रोवाइड करता है जो इतना दीवाने हैं सब लोग यहाँ के मोमोज के। शुरुआत करते हैं यहाँ पे वेज मोमोज से। वेज मोमोज आप लोग देख सकते हो अंदर का स्टफिंग कितना शानदार है। और इसके साथ में ये मोमोज है, चटनी के साथ इसको ले रहा हूँ मैं। और मेयोनीज है यहाँ पे,
चटनी इनका एक अलग ही यूनिक लेवल का है, तो इसका स्वाद भी वैसा ही होगा। चलिए टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा स्वाद आ रहा है। यहाँ के मोमोज की चटनी की बात करूँ ना तो चटनी बहुत ही तीखा है, इसको मेयोनीज के साथ ही खाना पड़ेगा आप लोगों को। ये ठंडी का मौसम होता ना तो मैं चटनी खा लेता अच्छा खासे से, पर यहाँ का तीखा जो इतना है ना चटनी में कि अलग से ही मतलब झाल आ रहा है। अब इनकी बारी है यहाँ पे मंचूरियन मोमोज टेस्ट करने की, उसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। जो यहाँ के ओनर बोले ना कि अंदर का जो स्टफिंग है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, और सही बात है, वेज में भी जो स्टफिंग है ना एकदम अलग ही लेवल का है। साथ में इनके पास में मंचूरियन में जो स्टफिंग प्रोवाइड किया जा रहा है वो भी एकदम यूनिक लेवल का है। अब बारी है इनका स्प्रिंग रोल टेस्ट करने की, स्प्रिंग रोल टेस्ट करके देखता हूँ कि वो टेस्ट कैसा प्रोवाइड कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं स्प्रिंग रोल है ये, और स्प्रिंग रोल की जो ऑप्शन है ना अपने को बहुत कम जगह अवेलेबल कराया जाता है मोमो शॉप में, पर स्प्रिंग रोल का भी ऑप्शन यहाँ अवेलेबल कराया जा रहा है तो ये अच्छी बात है। टेस्ट करके देखते हैं कि ये टेस्ट कैसा दे रहा है दार्जिलिंग मोमोज का स्प्रिंग रोल। अगर दार्जिलिंग मोमोज की स्प्रिंग रोल की बात करूँ ना तो अंदर का जो फ्लेवर है ना मतलब जो पत्ता गोभी है ना वो अपना पानी छोड़ रहा है, तो उससे ना एक जूसी फ्लेवर आ रहा है आप लोगों को यहाँ के स्प्रिंग रोल में। चटनी के साथ इसलिए ट्राई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों को तीखा लग रहा है, तो क्या ना टेस्ट करते नहीं बनेगा और फूड टेस्ट सभी जन का मज़ा नहीं आएगा जितनी भी वेरायटी में लिया हो ना यहाँ पर। अब बारी है इनका लास्ट जो कि है पनीर मोमोज, पनीर मोमोज ट्राई करके देखता हूँ कि कैसा लग रहा है। पनीर मोमोज का भी स्वाद जो है ना एकदम ही मज़ेदार है, और साथ में आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे जो लेयर है ना आप लोग देख सकते हैं, जो मोमोज का जो लेयर है स्टीम मोमोज का वो बहुत ही अच्छा खासा है, पतला है मतलब लेयर। बहुत जगह क्या करते हैं उसको अच्छे से स्टीम नहीं करते, या तो फिर बोलो कि जो आटा बेलने का जो प्रोसेस होता है ना वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो इसलिए ना वो जो मोमोस है ना वो हार्ड लगने लगता है और प्लस ऑयली लगता है, पर यहाँ का मोमोस ऑयली भी नहीं लग रहा है। और साथ में स्टफिंग का जो मज़ेदार है ना, मतलब एक तरीके से बताऊँ तो दार्जिलिंग मोमोज में जो भी आपको स्वाद प्रोवाइड कराया गया है वो बहुत ही अच्छा है। और इसी के जैसा टेस्ट मैंने एक और जगह किया था टाउन हाउस किचन जो स्मृति नगर में है ना, वहाँ का भी मोमोज एकदम प्रॉपर टेस्ट है। वहाँ पे आपको वेज और नॉन वेज दोनों अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे सिर्फ प्योर वेज की अवेलेबिलिटी है अपने पास में। तो ओवरऑल यही था आज का पूरा फूड टूर, मतलब जो दार्जिलिंग मोमोज का मैं बताया आप लोगों को। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना कि आप लोग को दार्जिलिंग मोमोज का मोमोज कैसा लगता है। चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं और मिलता हूँ अगले वीडियो में ऐसी ही किसी अच्छे लोकेशन के साथ में।